चलिए दोस्तों, अभी वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे हम लोग। हम लोगों ने इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट देखा था, डायरेक्शन एंगल्स, कोसाइंस, रेशियोज, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की। अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या आता है? देखिए, हमने पहले भी देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हमने दो टाइप्स के प्रोडक्ट देखे थे, जो मैंने इनिशियली आपको बताया था। एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो ये टाइप्स कैसे बने? जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है और उसका आंसर वेक्टर भी आ सकता है। तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका आंसर स्केलर आता है, तब हम लोग उसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और जब दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आता है तब हम लोग उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है। अभी इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है बेटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, उसको कहते थे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स खत्म करेंगे तब दोनों के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो उसका रिविजन अच्छे से करना है आप लोगों को। तो अभी देखिए, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको डिफाइन कैसे किया है, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं नोटेशन बताता हूँ। जब आपके पास मान लीजिए दो वेक्टर्स है, लेट ए बार एंड बी बार बी टू वेक्टर्स, बी टू वेक्टर्स ऑब्वियसली नॉन कोलिनियर लेंगे, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है। ठीक है, अब एंगल का सीन बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट में एंगल का सीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, किस हिसाब से नहीं था मैं आपको बताता हूँ। तो ए बार एंड बी बार हमारे पास दो वेक्टर्स है बेटा, तो हम लोग इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट डिनोट किया जाएगा कुछ इस प्रकार से। जब आप ए बार एंड बी बार दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसका नोटेशन कैसे रहेगा? ये उसका नोटेशन है, पहली बात। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? ए बार क्रॉस बी बार, ये पढ़ने का तरीका हुआ। चलिए, तो दो सिंपल चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, क्या कि दो वेक्टर्स को जब आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हो तो लिखेंगे कैसे? जैसे यहाँ पर दो वेक्टर ए बार एंड बी बार है, तो ए बार क्रॉस बी बार लिखेंगे और पढ़ेंगे उसको ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, ये चीज़ हो गई, बात खत्म। अब इसको डिफाइन कैसे किया है? तो ए बार को बी बार से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे हो और आंसर आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। लेकिन यहां पर एंगल कैसे बनता है? देखिए, जब आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तब आपके पास दो वेक्टर से, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसको ए बार बोलिए, इसको बी बार बोलिए। जब मैं ए बार डॉट बी बार लेता हूं तब आपको ए बार और बी बार के बीच का एंगल थीटा बोला जाता है। तब ना तो ये कहा जाता है कि इसका डायरेक्शन ये है, ना ये कहा जाता है कि इसका डायरेक्शन ये है। समझ रहे हो बात को? मतलब आपका जो थीटा है वो बेसिकली ऐसे भी हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है जो थीटा बना है। तो जब स्केलर प्रोडक्ट लेते हो, डॉट प्रोडक्ट लेते हो, तब कोई मतलब नहीं होता कि वो आपका एंगल बी ए बार का मूव, ए बार मूव होने से बना है या फिर बी बार का मूवमेंट ए बार की तरफ होने से बना है, इस बात का कोई मतलब नहीं होता जब डॉट प्रोडक्ट लेते। इसीलिए जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा। और यहां पर थीटा के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। मतलब तब उस समय हम लोग थीटा के बारे में ये कहते हैं कि थीटा सिर्फ एंगल है इन दोनों के बीच का। लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर भी थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, लेकिन यहां पर एक एंगल बनता कैसे, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी से इसका डायरेक्शन भी डिफाइन होगा। समझ रहे हो बात को? किसका? ए बार क्रॉस बी बार। देखो, ए बार एक वेक्टर है, बी बार दूसरा वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट आया है ए बार क्रॉस बी बार। सो ए बार क्रॉस बी बार इज अ वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, और इसके साथ आएगा डायरेक्शन जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एन कैप से। समझ रहे हो बात को? तो ए बार क्रॉस बी बार जब मैं करता हूं, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट लेता हूं, तब इसका मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन को हम लोग एन कैप अभी बोल रहे हैं। अब ये क्या है मसला? सब कुछ डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं आता था, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट आता था वो सीधा स्केलर था, नंबर था। अब यहां पर इसका मैग्नीट्यूड ये आया है और इसका डायरेक्शन ये है। अब इस मसले को समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और मार्कर चाहिए होगा। तो देखिए बेटा, आपके पास दो वेक्टर्स है, ये ए बार है, ये बी बार है। ठीक है, अब इसको मैं प्लेन के ऊपर उतारता हूं। चलिए, ये है मेरा बी बार और ये है मेरा ए बार।
अब जब मैं ए बार क्रॉस बी बार लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है ये समझे। अब यहां पर लिखने का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बार क्रॉस बी बार लिखने का क्या मतलब है, बी बार क्रॉस ए बार लिखने का क्या मतलब है, ये भी समझिए। जब मैं ए बार क्रॉस बी बार लिखता हूं तब उसका मतलब ये होता है कि पॉइंट यहां पर फिक्स है, ठीक है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि जब आप ए बार क्रॉस बी बार लिख रहे हो तब आपका ए बार जो है वो यहां पर फिक्स होते हुए मूव हो रहा है, मतलब उसका एक एंड फिक्स है और वो मूवमेंट कर रहा है बी बार की तरफ। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका ए बार है तो ए बार क्रॉस बी बार जब आप लिखेंगे तब एंगल कैसा होगा, इस तरफ ए बार आपका मूव करके जाएगा और इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। तो जैसे ए बार इसके ऊपर जाके बैठ जाता है तो जो भी अमाउंट ऑफ रोटेशन बनता है वो रहेगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहां पर मूवमेंट का डिरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने ये दो वेक्टर्स प्लेन में लिखे तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इससे होता क्या है बेटा, जब दो दो वेक्टर्स आप ले रहे हो और दोनों वेक्टर्स के बीच का आप एंगल डिफाइन कर रहे हो कैसे, बाय रोटेशन ऑफ वन वेक्टर टुवर्ड्स अनादर वेक्टर, तब ऐसे सिचुएशन में आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या होता है, तो वो थर्ड वेक्टर होता है। मतलब जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर है और उसका वो वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार होता है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मतलब ये दो जिस प्लेन में है उस प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए इसका रिजल्टेंट मतलब जो हम ए बार क्रॉस बी बार जिसको बोल रहे हैं वो ये वेक्टर है, ए बार ये वाला वेक्टर है, बी बार ये वाला वेक्टर है। आप ए बार को ऐसे मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये वाला आपका वेक्टर रहेगा जो परपेंडिकुलर रहेगा ए बार एंड बी बार के प्लेन को। अब इसको कैसे बताएंगे प्लेन के ऊपर, तो इसको क्रॉस में डालते हैं ऐसे, समझ रहे हो बात को, इसको कुछ ना कुछ डायरेक्शन रहेगा ऊपर या नीचे और ये रहेगा आपका ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग इस ये जो ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन होता है, ये जो ए बार क्रॉस बी बार है कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, ये वाला मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन कुछ ना कुछ है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, किसके अलोंग, ए बार क्रॉस बी बार के, और उसी को कहा गया है एन कैप। सो एन कैप इज यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार के अलोंग का ये यूनिट वेक्टर है। तो ये क्या करता है बेटा, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड वन रहेगा और ये इसका डायरेक्शन किसके अलोंग रहेगा, ए बार क्रॉस बी बार के। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। तो आपके पास ऐसे मान लेता हूं मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ता हूं, ठीक है, ताकि बात समझ में आ जाए। तो मेरे पास ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है बेटा। अब यहां पर पॉइंट फिक्स है, अब मान लीजिए कि ये ए बार है, ये मूव करते हुए इधर जाने वाला है, ठीक है, ये मूव करते हुए इधर जाएगा। अब अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हो तो इसका प्रोडक्ट मान लीजिए ये ए बार है ये बी बार है, तो इसका प्रोडक्ट जब आप लेते हो वेक्टर प्रोडक्ट जब लेते हो तब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड ए बार का मैग्नीट्यूड मतलब ए इंटू बी, इसका मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। अब आपका मूवमेंट कैसे हो रहा है, आपने ए बार क्रॉस बी बार लिया मतलब ए मूव हो रहा है बी की तरफ। अब जैसे ए होगा मूव, ए मूव होगा बी की तरफ, आप क्या कीजिए, ये जो यहाँ पर फिक्स पॉइंट है यहाँ पर एक अपना पॉइंट वाला ये ना स्क्रू नहीं होता क्या, तो उस स्क्रू स्क्रू को लगाइए। अब आप इस स्क्रू को मैं ऊपर रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ये बेसिकली कहाँ पर है, यहाँ पर है, फिट करके रखा है। अब मुझे आप बताइए आपका रोटेशन ए बार का कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पर स्क्रू रखते हो तो स्क्रू को कैसे घुमाना पड़ेगा, इस ये इधर रोटेट हो रहा है मतलब स्क्रू आपका ऐसे घूमेगा, और जब स्क्रू ऐसे घूमता है इस डायरेक्शन में घूमता है स्क्रू, तब ये ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, जब आप ऐसे घुमाएंगे स्क्रू को तो ऊपर जाएगा, और अगर मान लीजिए आप ऐसे घुमाते हो उल्टा तो ये नीचे आएगा स्क्रू, समझ रहे हो बात को। मतलब डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस स्क्रू पे, स्क्रू के ऊपर। तो आप मूवमेंट देखिए, अगर ये इसकी तरफ मूव होते हुए जा रहा है तो स्क्रू ऊपर की दिशा में जाएगा, मतलब इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो ऊपर की दिशा में परपेंडिकुलर होगा। पहली तो बात समझिए कि ये दोनों जिस प्लेन में है उस प्लेन को इसका वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए बार क्रॉस बी बार जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार रहेगा, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, क्योंकि प्लेन को परपेंडिकुलर ऊपर से भी रखा जा सकता है नीचे से भी। तो अगर मान लीजिए ये वाला वेक्टर इसकी तरफ जाता, अगर मैं बी बार क्रॉस ए बार की बात करता और अगर ये इधर जाता तो हमें मूवमेंट कैसे करना पड़ता, ऐसे मूवमेंट करना पड़ता, और ऐसे मूवमेंट में आपका स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, समझ रहे हो बात को। जैसे यहां पर अगर आप देखना चाहते हो तो इसको इधर मूव करते जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा आपके स्क्रू को, कैसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो ना स्क्रू को, इसके मूवमेंट तो ऐसे घुमाओगे तो
तो ये दीवार के अंदर घुसेगा स्क्रू, और अगर इसको इसकी तरफ घुमाओगे तो दीवार से बाहर निकलेगा स्क्रू। मतलब अगर ये प्लेन है तो इस वाले प्लेन का जो डायरेक्शन रहेगा या फिर ए बार क्रॉस बी बार वेक्टर रहेगा, वो दीवार के अंदर धंसा हुआ रहेगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और अगर इसको मैं इसकी तरफ मूव करता हूँ तो आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा आपको, दी प्लेन बोर्ड को परपेंडिकुलर और आपकी तरफ आता हुआ, मतलब ये मार्कर रहेगा। ठीक है, तो क्या समझे आप लोग, जब आप दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो तब आप लोगों को क्या देखना होता है, सबसे पहले तो उसका वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट जब आप लेते हो दो वेक्टर्स का, तब उसका जो रिजल्टेंट आता है तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब जब आप ए बार एंड बी बार का ए बार क्रॉस बी बार ले रहे हो तो सो दिस ए बार क्रॉस बी बार इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा एंड इट्स अ डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर एन कैप एंड दिस यूनिट वेक्टर इज अलोंग ए बार क्रॉस बी बार। मतलब ये दो वेक्टर्स है तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, जो प्रोडक्ट रहेगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार। तो परपेंडिकुलर है तो इस परपेंडिकुलर ये ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर भी वो राइट हैंड थंब रूल होता है ना, वो फॉर्म करता ही है सिस्टम। ठीक है ना, तो राइट हैंड थंब रूल के अंदर क्या होता है कि आप घुमाते कैसा हो, आप ऐसे घुमाओगे तो थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अगर इसको ऐसे घुमाओगे तो थंब कहाँ जाता है, नीचे जाता है। ठीक है ना, तो वो तो बात हो गई राइट हैंड रूल वगैरह, हम तो सीधा भी सोच सकते हैं स्क्रू से भी, खिल्ला जो होता है हमारा या स्क्रू होता है उसको कैसे घुमाएंगे तो वो अंदर जाएगा कि बाहर आएगा। तो उसी प्रकार से आप वेक्टर की तरफ देखिए कि वेक्टर आपका कैसे रोटेट हो रहा है। तो ठीक है, समझने का इसके अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, तब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दैट इज ए बार क्रॉस बी बार, इट इज़ अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। ठीक है, और उसका डायरेक्शन दिया जाता है एन कैप से, विच इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग दैट रिजल्टेंट वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या बन गया फिर ए बार क्रॉस बी बार का, हमने नोटेशन देखा था, तो ए बार एंड बी बार ये दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा ए बी साइन थीटा और इसका डायरेक्शन रहेगा एन कैप। ठीक है, तो अब ये तो डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अभी बेटा कुछ अगर ये डेफिनेशन है तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज भी निकल के आएगी। जैसे पहली प्रॉपर्टी, जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखी है, वहाँ पर नतीजे अलग थे, यहाँ पर नतीजे अलग हो गए क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन अलग है। अब जैसे मान लीजिए ए बार एंड बी बार दोनों पैरेलल है, कोलिनियर है, मतलब उनके बीच का एंगल जीरो रहेगा, तब ऐसे सिचुएशन में उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लोग लेंगे तो वो आएगा जीरो वेक्टर, यहाँ पर ध्यान में रखना है, व्हेन ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर। समझ रहे हो बात को, कोलिनियर है पैरेलल, तब ए बार एंड बी बार के बीच में एंगल जीरो डिग्री का होगा, तो ए बार डॉट बी बार क्या होगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन क्या, तो साइन थीटा का वैल्यू साइन जीरो का वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो ए बार क्रॉस बी बार जीरो बार लिखना है। देखिए, जब आप ए बार डॉट बी बार का वैल्यू जीरो आता था तो ये सिर्फ जीरो स्केलर होता था, जीरो रियल नंबर होता था, लेकिन जब ए बार क्रॉस बी बार का वैल्यू जीरो आएगा तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो सिर्फ जीरो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए जीरो वेक्टर लिखना है, ध्यान में रखना है। तो जब आप जीरो वेक्टर लिखते हो तो जीरो इसका मैग्नीट्यूड होता है और एन क्या जो होता है इसका डायरेक्शन होता है, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, तो पैरेलल के बारे में समझ लीजिए कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तब क्या होता है, उनका प्रोडक्ट जीरो वेक्टर आता है। ठीक है, हाँ, अब अगर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हो तो वो दो वेक्टर्स प्लेन बनाएंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो प्लेन को परपेंडिकुलर होता है तो स्पेस में ही आएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये पहला प्रॉपर्टी था। अब सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लीकेशन होगा यूनिट वैक्टर्स का, जो बेसिक यूनिट वैक्टर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो बेटा आई कैप इंटू आई कैप J cap क्रॉस J cap एंड K cap क्रॉस K cap। तो बेटा आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब देखिए, I cap क्रॉस I cap का मतलब क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स हैं और एक ही वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल जीरो है, तो यहाँ पर I cap क्रॉस I cap जीरो वेक्टर एंड जीरो वेक्टर आएगा। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट में इनका वैल्यू 1 1 1 आता था। अब इससे उल्टा, इससे थोड़ा सा अलग है, जब आप आई कैप को जे कैप से क्रॉस करते हो, वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो इनका, फिर जे कैप का के कैप के साथ में लेते हो और के कैप का आई कैप के साथ में लेते हो,
तो आपको क्या आंसर में मिलता है? तो आई कैप क्रॉस जे कैप मिलता है के कैप, जे कैप क्रॉस की आई के कैप मिलता है आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप मिलता है जे कैप। तो आप कहेंगे ये क्या मसला है, ये कैसे आ गया? तो देखिए बेटा, बेसिकली आई कैप जे कैप और के कैप है क्या, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो हमने थ्री डिमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा है, तो इसको देखिए, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। तो ये इसके अलोंग आपका आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसके अलोंग जे कैप है, इसके अलोंग के कैप है, ठीक है। तो ये इसका और इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, तो ये दोनों मिलकर एक प्लेन बना रहे हैं। अब आपको पता है कि जब आप किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट वेक्टर, और वो परपेंडिकुलर भी कहां पर होता है, ज्वाइन, जहां पर वो दोनों वेक्टर ज्वाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जो जेड एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू पॉइंट्स, आई कैप और जे कैप को परपेंडिकुलर कौन है, के कैप है। तो ऑब्वियस बात है कि जब आप आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो के कैप इसका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, मतलब इनका नतीजा क्या आएगा, के कैप आएगा, ठीक है। तो के कैप हमने लिखा है। सिमिलर वे से जब आप जे कैप और के कैप का मल्टीप्लीकेशन करते हो, यह आपका जे है और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग के है, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला है, इनके प्लेन को परपेंडिकुलर ये है, ठीक है ना। तो आपका आई कैप रहेगा। अब उन्होंने ये तय करके रखा है कि हम लोग सीक्वेंस कुछ ऐसा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने सीक्वेंस कैसे तय किया है कि आई कैप फिर जे कैप, ठीक है, और फिर के कैप। तो ये जो मैंने एरोज बताया है ये क्या इंगित करते हैं कि जब आप आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो आपको आंसर के कैप मिलेगा, फिर आप जब के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलना है, आपको जे कैप मिलना है, ठीक है, और जब आप जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आपको आई कैप मिलना है। अब अगर आप उल्टा चले जाते हो तो आपको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये तय किया है शुरुआत से ही, ठीक है ना। तो अगर आप आई कैप क्रॉस के कैप लेते हो तो आपको माइनस जे कैप मिलेगा, क्योंकि हमने हमने ये तय किया कि हम लोग आई कैप क्रॉस जे कैप को पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है। तो इससे उल्टा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो जब आप आई कैप क्रॉस जे कैप लेते हो तो के कैप आएगा, लेकिन जब आप जे कैप क्रॉस आई कैप लेते हो तो माइनस के कैप आएगा। अब आपको लग सकता है कि यार ये क्या मसला है, आप आई कैप क्रॉस जे कैप ले लो या फिर जे कैप क्रॉस आई कैप ले लो, तो यहाँ पर माइनस के कैप कैसे आ रहा है? तो बेटा डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, देखिए कैसे अपोजिट हो रहा है। तो जब आप आई कैप क्रॉस जे कैप लेते हो तब आपका आप क्या ले रहे हो, के कैप आपका आ रहा है ऊपर वाला, ठीक है ना। लेकिन जब आप जे कैप क्रॉस आई कैप लेते हो तब ये नीचे का परपेंडिकुलर आएगा इसका रिजल्टेंट, समझ रहे हो बात को। तो अगर आप इसको पॉजिटिव के कैप बोल रहे हो तो इसको नेगेटिव के कैप बोलेंगे, समझ रहे हो बात को। तो इसका जब आप जे कैप क्रॉस आई कैप लेते हो तब ये रिजल्टेंट होता है, क्योंकि आपका वेक्टर ये वाला वेक्टर मूव करते हुए इधर आएगा तो स्क्रू नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, आप ऐसे करेंगे। और जब आप ये वाला इधर लेके जा रहे थे तब इसको ऐसे कर रहे थे, तो कंसिडरेशन के ऊपर है। हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव बोल दिया, इसको आई कैप क्रॉस के जे कैप को हमने पॉजिटिव बोल दिया, तो ये नेगेटिव बनेगा, ठीक है। और इससे एक और बात समझ में आती है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कॉमिटेटिव, क्योंकि यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप इज नॉट इक्वल टू जे कैप क्रॉस आई कैप। इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो बेसिक डेफिनेशन लेके, कैसे, देखिए बेसिक डेफिनेशन में आप ए बार और बी बार कंसिडर कीजिए, ये वाले अब इनको परपेंडिकुलर है ये आपका, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसका डायरेक्शन आपने अलोंग द यूनिट वेक्टर एन कैप बोला है। अब आप जब बी बार क्रॉस ए बार डिफाइन करते हो तब बी बार क्रॉस ए बार में आप क्या करेंगे, बी ए इंटू साइन थीटा लिखेंगे। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पहले आपने ए बार क्रॉस बी बार को एन कैप बोला था इसको, अब बी बार क्रॉस ए बार में वही एन कैप रहेगा लेकिन वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डायरेक्शन उसका चेंज है। देखो ये ऊपर का वेक्टर का मतलब क्या है कि जब आप ए बार क्रॉस बी बार ले रहे हो तब आप रोटेशन ऐसा ले रहे हो तो ये ऊपर की तरफ उसका रिजल्टेंट जाएगा, समझ रहे हो बात को। और जब आप बी बार क्रॉस ए बार लेंगे तब नीचे की तरफ उसका रिजल्टेंट आएगा, तो मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले अपवर्ड डायरेक्शन में एडवांस हो रहा है वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एडवांस होगा स्क्रू आपका। जब आप स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में एडवांस होते जाता है, बढ़ते जाता है। जब आप उसको ऐसे रिवर्स घुमाते हो तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एडवांस होते जाता है। तो ये डायरेक्शन बताता है। तो पहले की डायरेक्शन आपने पॉजिटिव दे रखी है एन कैप, तो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन हो रही बी बार क्रॉस ए बार की, तो वो तो बन जाएगा माइनस एन कैप। तो इससे क्या समझ में आता है हमें, इससे ये समझ में आता है कि ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार
इज इक्वल्स टू आपको लिखना है तो माइनस बी बार क्रॉस ए बार आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। क्योंकि अगर माइनस साइन को हटा देंगे आप बाजू में तो जो अंदर का है वो इसी के बराबर है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, सीधे से लिख सकते थे क्योंकि वहां पर डायरेक्शन का कोई सवाल नहीं होता था। लेकिन ए बार क्रॉस बी बार में, ए बार क्रॉस बी बार को उल्टा लिखना है तो नेगेटिव साइन देके लिखना पड़ेगा। तो वही बात बनेगी इन बेसिक वेक्टर्स के बारे में भी, यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो के के बार क्रॉस जे बार ले रहे हो तो माइनस आई बार आई कैप आएगा, और अगर आई कैप क्रॉस के कैप ले रहे हो तो माइनस जे कैप आएगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, जब आप दो बेसिक यूनिट वेक्टर्स का, अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे, डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो आंसर जीरो आता था। क्यों? क्योंकि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल आता था और उधर रेशो कॉस था, तो कॉस 90 जीरो हो जाता था। तो इधर मसला उल्टा है, उधर आई कैप डॉट आई कैप जीरो होता था, सॉरी वन होता था, इधर आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है, जीरो वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये तो था बेटा बेसिक वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने ये भी देख लिया, कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी भी आ गई इसके अंदर थर्ड वाली, ठीक है। अब फोर्थ वाला आता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे हम लोग, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में। जब आपको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं हम लोग, उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, वैसे तो मैंने शुरुआत में ही बताया है लेकिन फिर से दिया है यहाँ पर पॉइंट, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट किया जा सकता है, ए बार क्रॉस बी बार को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दो। सो व्हाट दिस डिनोट, दिस डिनोट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो अगर जब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन करना है तो आप लोग क्या करेंगे, ए बी साइन थीटा लिखेंगे। फिर एन कैप लिखना है क्या, नहीं लिखना है। देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक ही डिफरेंस है कि क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी डिनोट किया जाता है बाय यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल है, बेसिक डेफिनेशन से उठाइए। यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है आपको अलोंग ए बार क्रॉस बी बार, तो ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा लिखना होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर। लेकिन आपका यूनिट वेक्टर जो होता है तो वो यूनिट वेक्टर्स ए बार एंड बी बार को परपेंडिकुलर रहने वाले, अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें हम, जैसे मान लीजिए यहां पर ए बार क्रॉस बी बार का यूनिट वेक्टर बोलेंगे तो सिर्फ एक ही आएगा, लेकिन ए बार और बी बार के प्लेन को परपेंडिकुलर रहेंगे ऐसे यूनिट वेक्टर्स बोलेंगे तो प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। क्योंकि एन कैप ऊपर जाने वाला प्लस बोलते हैं तो नीचे आने वाला माइनस रहेगा, क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार का प्लस है तो बी बार क्रॉस ए बार का माइनस रहेगा। तो अगर यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन की बात होगी तो वो ऊपर नीचे अलग अलग होंगे, ठीक है बेटा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद में जो आता है, दैट इज अगर आप दो वेक्टर्स को उनके यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखते हो और उनका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है तो क्या होता है। देखिए डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि आपके पास ए बार एक वेक्टर है, ए वन आई कैप, बी वन जे कैप, सी वन के कैप। दूसरा वेक्टर है बी बार, दैट इज ए टू आई कैप प्लस बी टू जई कैप प्लस सी टू कई कैप, ठीक है। तो ए बार बी बार मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब अगर मुझे ए बार का और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो हम लोग यूजुअल वे से क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो दिक्कत उसमें नहीं है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आपको डिटरमिनेंट मिलेगा आई कैप जे कैप और के कैप, फर्स्ट रो बनेगा, सेकंड रो में आएगा ए वन बी वन सी वन और थर्ड रो में आएगा ए टू बी टू सी टू। तो ये कैसे आता है आप लोग खुद वेरीफाई करके देख सकते हो, सिंपल इन दोनों का प्रोडक्ट करते जाइए, आई कैप का जे कैप के कैप के कॉमन टर्म्स निकालिए और कैलकुलेशन देखिए, तो जो भी मिलेगा वो इस डिटरमिनेंट को 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो नतीजा आता है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आपको मिलेगा, तो उसी को हमने ये लिखा है। तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि जब भी दो वेक्टर्स आपके पास रहेंगे जिनको यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा है, अब आप अगर मान लीजिए इनका वेक्टर प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो आप ऐसा तो नहीं लिख सकते इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, फिर यूनिट क्या देंगे उसको, यूनिट वेक्टर देंगे डायरेक्शन, नहीं, क्योंकि यहां पर एंगल मेंशन ही नहीं है। तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो क्या करना है आपको, इसको इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, ठीक है।
तो ए बार क्रॉस बी बार के बारे में ध्यान में आ गई बात, ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट है हमारा, दैट इज लैग्रांजेस आइडेंटिटी। ठीक है, अब लैग्रांजेस आइडेंटिटी क्या कहती है, देखिए लैग्रांजेस आइडेंटिटी बेसिकली बेटा आपको वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन बताती है, आइडेंटिटी, लैग्रांजेस आइडेंटिटी। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर से ए बार क्रॉस बी बार, तो आप ए बार क्रॉस बी बार के होल स्क्वायर को लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बार डॉट बी बार होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज लैग्रांजेस आइडेंटिटी। इसके अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट के साथ में रिलेशन समझ में आ रहा है। क्या समझ रहे हैं यहां पर हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट के साथ में क्या रिलेशन है, ये समझ रहे हैं हमें। तो अब इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है, ये लैग्रांजेस आइडेंटिटी, इसको ध्यान में रखना है आपको, हम लोग प्रूफ लिखेंगे तो ध्यान में और अच्छे तरीके से रहेगा। सो ए बार क्रॉस बी बार को मल्टीप्लाई करना है खुद ही के साथ में, ठीक है। तो अब आप यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर मैंने एलएचएस लिया है, तो ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर का मतलब क्या, ए बार क्रॉस बी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार मतलब क्या बेटा, ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर ही आता है ना, मतलब ये खुद एक वेक्टर है, यानी ये परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है ना। मान लीजिए ये ए बार है बी बार है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये भी वही वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब लेते हो आप, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। तो इसका इसका क्या आएगा, ए बार क्रॉस बी बार, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, सही है ना। तो हमने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ए बार क्रॉस बी बार के मैग्नीट्यूड का हमने स्क्वायर लिया है, ठीक है, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है, तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये बात समझ रहे हो ना आप, दो वर्टिकल लाइन के बीच में जो लिखा है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, उसका स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार ए बी साइन थीटा आएगा। तो इसको एक्सपांड करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर रहने देंगे, क्योंकि हमारे प्रूफ के अंदर ये है, माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा क्या है, ए ए बार एंड बी बार का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको आप लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार होल स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया ना। तो क्या मिला आपको, ए बार क्रॉस बी बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिला ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बार डॉट बी बार का होल स्क्वायर, समझे। तो ये है लैग्रांजेस आइडेंटिटी, इसको ध्यान में रखना है। अभी बात करते हैं वेक्टर एरिया की, वेक्टर एरिया ऑफ द प्लेन फिगर की बात करते हैं, या फिर कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये भी कहा जाता है इसको, या फिर कहते हैं, देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मीनिंग ऑफ दिस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस, या फिर कह सकते हो कि वेक्टर, वेक्टर एरिया ऑफ ए प्लेन, प्लेन का वेक्टर एरिया, ठीक है। तो क्या होता है ना बेटा, जब आपके पास दो वेक्टर्स रहते हैं, जब आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तब होता क्या है बेसिकली, देखिए आपने ले लिया ए बार, दूसरा नॉन कोलिनियर वेक्टर है बी बार, ठीक है। अब आप इसको पैरेलल लीजिए दूसरा वेक्टर, और इसको पैरेलल लीजिए और बनाइए एक पैरेललोग्राम, बनाया पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आपने इसको पैरेललोग्राम बना दिया है, अब इस पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया निकालना है, चलिए इसको नाम भी दे देते ओ ए सी बी, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना चाहूँ, ए बार क्रॉस बी बार का, तो वो क्या होगा बेटा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एंड वॉट इज दैट एन कैप, एन कैप इज द, देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस निकालता हूँ ताकि समझ में आएगी कि ये जो मैंने निकाला है दैट इज नॉट इन द प्लेन, इट इज आउटसाइड द प्लेन इन द स्पेस, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे है, ए बार क्रॉस बी बार का ये जो मैंने लाइन निकाला है, ये प्लेन के अंदर नहीं है, बल्कि ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। तो बाहर आता हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो
क्या यहां पर क्या समझना है हमें कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और ये जो कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं तो ये व्हाट इज दैट, दिस इज द वेक्टर एरिया, दिस इज द वेक्टर एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओएसीबी। समझ रहे हो बात को? अब वेक्टर एरिया क्यों कहा है? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर डायरेक्शन को हटा दो, सिर्फ लिखो ए बी साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ये क्या होगा बेटा? नॉट वेक्टर, ओनली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी बी, नॉट क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम कहिए, ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। समझ रहे हो बात को? तो जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो बेसिकली होता है, अगर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो उसको कहा जाएगा वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, और विदाउट डायरेक्शन लिखते हो तो वो रहेगा क्लियर कट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब आप कहेंगे कैसे भैया बता भी दो, तो देखिए इसको हटा दीजिए। अगर ये मान लीजिए नॉर्मल पैरेललोग्राम है तो नॉर्मल पैरेललोग्राम का आप एरिया कैसे निकालते हो? बेस इनटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये है आपका हाइट और ये है बेस, ठीक है, तो बेस इनटू हाइट हो गया एरिया। तो बेटा बेस क्या है? बेस है ओए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओए ओनली मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेक्टर, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल ज्योमेट्री की, जो आप लोग जब बच्चे थे जब आप लोगों ने पढ़ा था जनरल ज्योमेट्री 9th-10th वाला। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग क्या लिखते हैं? बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर हाइट ये है, अब हाइट का तो आता पता कुछ नहीं है, तो इसको थीटा बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो एंगल रहेगा यहाँ पर, पता होगा, और ये 90 डिग्री है, हाइट है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। आपको निकालना क्या है बेटा? आपको निकालना है, इसको कुछ नाम दे, चलिए कुछ नाम देते हैं, इसको डी नाम देते हैं, सो डी बी निकालना है आपको, बी डी चाहिए, तो बी डी कैसे निकालेंगे? साइन रेशो लेंगे, सो साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है? बी डी, एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ बी। तो बेसिकली बी डी क्या बन जाएगा आपका? ओ बी साइन थीटा बन जाएगा, सही है। तो पैरेललोग्राम का एरिया हम लोगों ने लिखा बेस इंटू हाइट, दैट इज ओ ए इंटू बी डी, और बी डी की वैल्यू क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम लोग बी डी की जगह लिखेंगे ओ बी साइन थीटा। अब थोड़ा सा गौर फरमाइए, जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो ओ ए बार हमारा वेक्टर है, यहाँ पर सिर्फ ओ ए लिखा है, दैट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बार, तो वो आता है सिर्फ ए बोलेंगे उसको, ठीक है, तो ए दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। और जब बात करेंगे ओ बी बार की तो सिर्फ ओ बी क्या होगा? मैग्नीट्यूड, दैट इज बी, और साइन थीटा एज इट इज, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम दो वेक्टर्स का प्लेन के अंदर किसी भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, तब बेसिकली ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। समझ रहे हो बात को? जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और अगर डायरेक्शन के साथ में लिखते हो तो वो उसको कहा जाता है वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। समझे बात को? तो अब देखिए इसी के अंदर एक और मजा आपको बता देता हूं। अगर आप पैरेललोग्राम में एक डायगोनल निकाल दो तो पैरेललोग्राम बढ़ जाता है दो ट्रायंगल्स में, और क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में बच जाता है, तो जैसे हम लोगों ने यहां पर प्रूव किया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वो क्या होता है? एरिया ऑफ द, मतलब जब दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, जैसे ए बार और बी बार का लिया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेटा इसका हाफ करेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का तो आपको तो ट्रायंगल का एरिया मिल रहा है। मतलब ये भी गजब बात होगी कि जब आप ए बार क्रॉस बी बार लेंगे तो लिखेंगे ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और इसका हाफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो गजब बात हो रही है, हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है, क्या समझे फिर? अच्छे से समझे ना, बहुत, मतलब बिल्कुल एकदम तरीके से समझाया मैंने, किसी को भी समझ में आ सकता है, बस जरूरी है कि उसने अच्छे से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। तो क्या समझ में आया? कि क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड जो है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है सिर्फ, वो भैया क्या कर रहा है? पैरेललोग्राम का एरिया बता रहा है,
तो आप कहेंगे भैया आपके पास दो ही वेक्टर से फिर पैरेललोग्राम कहाँ से आया। अरे बनाओ बनाओ पैरेललोग्राम को जैसे मैंने बनाया है, और ट्रायंगल भी बना सकते हो दो अगर वेक्टर से, तो उस ट्रायंगल का देखो एंड पॉइंट्स को तो जोड़ना है ट्रायंगल बनाने में, तो उसमें भी क्या होगा ट्रायंगल का एरिया कैसे बता सकते हो, इसके मैग्नीट्यूड को दो से डिवाइड कर दो, सिंपल है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम से तो आधा एरिया है इसका। ठीक है सही है, तो ये था सब कुछ हमारा जो एक्सरसाइज 5.4 है उसके लिए नेक्स्ट थियरी। ठीक है ना, तो हम लोग अभी वेक्टर के एंड की तरफ जा रहे हैं बेटा, अभी एक्सरसाइज 5.4 इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा, और फिर उसके बाद में लास्ट कुछ टॉपिक्स रहेंगे इसके अंदर, और फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, हाँ 35 मिनट की हो चुकी है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द एग्जाम्पल्स। गुड बाय।